हे गाइस, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे बॉयफ्रेंड पे होने वाली है, आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड। तो यार आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे मेरे को कि मैम अपने बॉयफ्रेंड को रिवील करो, वो बंदा कौन है कौन नहीं है जिसने इतना बुरा किया मेरे साथ। तो यार आज मैं बताने वाली हूँ कौन है कौन नहीं है। तो यार उसके बहुत टाइम से मैसेज कॉल्स आ रहे हैं कि मेरे से मिल ले मिल ले मिल ले। तो यार बात ऐसी है कि मेरी लाइफ हो रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उसकी वजह से। तो यार मैंने उसे आज मिलने के लिए बुलाया, वो यार आ रहा है तो आर पार कर ही देता है, क्या होने वाला क्या नहीं होना मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ सच्चाई आपको पता लग जाएगी, जो पता लगनी ज़रूरी भी है। एक आप लोग मेरी फैमिली हो तो यार आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलकर देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, कॉल करते हैं उस बंदे को। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले जैसा कि आपको पता ही है, न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर पे गिफ्ट्स देने का सीज़न शुरू हो जाता है। तो मेरे पास आप सभी के लिए एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट, उसके लिए आप पूरी देखना इस एडवर्टीजमेंट को। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है binani.com, और यहाँ पर आप अपने पैसे डबल कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने और अपने के लिए गिफ्ट ले सकते हो। यार तो आप binani.com से पैसे कैसे कमा सकते हो ये मैं आपको बताऊँगी अब। तो गाइज इसमें एक ग्राफ होता है, सबसे पहले हम करेंसी चूज़ करते हैं, फिर ग्राफ चूज़ करते हैं, फिर हम चूज़ करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं चूज़ करूँगी कि ये यार ऊपर जाएगा। तो अब मैं यहाँ एक मिनट का वेट करूँगी, देखूँगी ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबके सामने जीत चुकी हूँ 9000 रुपये। तो गाइज देखा किस तरह से मैंने आपके सामने भी पैसे कमाए हैं। तो binani.com की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जीते पैसों को डायरेक्ट पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो, और गाइज इसमें जैसे आप ऑर्डर करते हो आपके पैसे एकदम से पेटीएम में आ जाएंगे। तो यार और गिफ्ट के बारे में बात करें तो मेरी साइड से और binani की साइड से, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉलो करते हो तो आपको मिलेगा 200% का बोनस, वो भी आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो आप मिनिमम 300 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट आप अपने पेटीएम अकाउंट से भी कर सकते हो, और अगर आप 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपके 1000 रुपीज़ डबल हो जाएंगे, मतलब 2000 रुपये। तो है ना यार कमाल का। तो यार रेडी हो जाओ यार अपने गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, जाकर इसको विजिट करो, चेकआउट करो binani.com को। तो यार बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं, मिलते ही क्यों यार, ब्रेकअप ही हो गया। तो मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वस हूँ थोड़ी सी, कॉल करती हूँ उस बंदे को, कहाँ है, वैसे तो मिलने के लिए तरस ही रहा है वो। हेलो, कहाँ पे हो तुम? अच्छा यार सुनो, मेरे को तुमसे ना मिलना था, तुम बहुत टाइम से मिलना कर रहे थे ना, तो यार आज आर पार कर ही देते हैं, क्योंकि यार मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो तुम एक बार यहाँ आ जाओ, मैं गेट नंबर 2 के बाहर हूँ, पालिका है ना ये, आ जाओ ना आर पार करते आज। हाँ जल्दी आओ। देखते हैं यार क्या होने वाला है, बंदा आ गया सामने ही है। हाय, गुड यार, बहुत टाइम से बोल रहे थे ना बात करनी है बात करनी है बात करनी है, तो मिल ही नहीं फाइनली तुमसे। बताओ क्या करना है तुमने? क्या बस पूरी बात करनी थी, अब जो हुआ सो हुआ, सो आप भूल जाए उसको, मैं अपनी लाइफ में तुम्हें वापस पाना चाहती। मेरी मुझे अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो भाई, किस खुशी में? अब जो तुम्हारी वो बंदी चल रही है साथ में, अगल बगल घूमती रहती है, वो कहा गई? जो हुआ सो भूल जाओ ना प्लीज़। ये भूलना क्या इतना आसान होता है, मैं वो सब कैसे भूल जाऊँ? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यार देखो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है तुम्हारी वजह से, मैं अपने चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मेरी वीडियो सही नहीं हो पा रही है, मेरी मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रही यार अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अब जब तुम गए थे छोड़ के तो तुम अपनी ज़िंदगी में रहो ना। नहीं यार अभी पॉसिबल नहीं है, समझो मेरी बात, ये पॉसिबल नहीं है यार। क्यों नहीं है? अब मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, ठीक है, मैं आपसे मेरी दुनिया में आ गया हूँ, उस पास्ट में मैं नहीं घुसना चाहती ना, क्यों घुसूँ? तुम मुझे छोड़ के गए थे, भूल गए वो रहा, जब 2:30 बजे मेरे को फ्लैट में अकेला छोड़ गए थे, एक लड़की को तुम अकेले छोड़ के चले गए थे, चलो लड़की का तो ध्यान रख लेते, अकेले कहाँ जाती मैं, मुझे धक्के मार के तुमने फ्लैट से बाहर, सॉरी बोलने से क्या होता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। बताओ तो सही, तुम्हारी बगल में जो घूम रही थी क्या हो गया, धोखा दे दिया क्या उसने? नहीं यार धोखा दे दिया होगा, हर कोई ना तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनको चाहिए था पैसा, उन्हें चाहिए थी फेम, ठीक है, सिर्फ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, चाहिए थी इज्जत, जो तुम कभी दे ही नहीं पाए, कभी कर ही नहीं पाए आज तक। 4 महीने में तुम्हें समझ आ गया, पता है तुम्हें क्या समझ आया है? आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ ना, तुम्हें वो दिख रहा है बस, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, और ना ही कभी तुम्हें आ सकता, तुम्हारी फितरत जो है ना तुम्हें पाना चाहता हूँ।
अब तो पाना ही चाहोगे, क्यों नहीं पाना चाहोगे? इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, अभी तक मतलब भगवान ने ना सब देखा है, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया है। इसलिए ना एक गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। जो मैंने किया मुझसे, मेरे को नफरत करोगे, गुस्सा भी करोगे, लेकिन फिर भी मैं भूल गए वो दिन जब मम्मी पापा को बोला था शादी के लिए और तुम घर पे आना, तुमने घर पे आने से मना कर दिया था। मतलब मैं कितनी चीज़ें ऐसी नहीं जो एक बार धोखा दे सकता ना वो बार बार दे सकता है, समझे? एक बात बताओ, अब क्यों नहीं आओगे तो मेरी जिंदगी में? अब तो आओगे, मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ ना, अब सब मुझसे प्यार करते हैं। तुम हम यार, मेरे को वो दिन याद आते हैं जब मैं पहले अपनी वीडियो शूट करने आई थी, मैं तुम्हें बोल, तुमने ना आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया कभी भी। मैं बोलती थी यार प्लीज़ अपना, मेरे पास एक कैमरा लेने के पैसे नहीं थे, मैं बोलती थी प्लीज़ मेरी अपने कैमरे से मेरी एक वीडियो शूट करा दो, मेरा प्रैंक में इंटरेस्ट है, मेरा यहाँ है। लेकिन तुम इतने घटिया बंदे हो, तुमने आज तक मेरी एक वीडियो शूट नहीं कराई। और जिस दिन तुम वीडियो शूट करने के लिए मेरे साथ गए थे, तुमने क्या बोला था? तुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने क्या बोला था? जिस दिन मैं आई ना यूट्यूब पे, उस दिन आग लगा दूंगी। घमंड नहीं था वो, घमंड नहीं था। चलो मेरा घमंड था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता ना यार। क्यों नहीं हो सकता? चाह के भी बहुत सारी ऐसे रीजंस है, मैं भूल ही नहीं सकती अपनी जिंदगी में, कभी नहीं भूल सकती। इतना बड़ा दिल निकाल के ना आज मैंने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया ना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे फोन करते हो, मैसेज करते हो। अब क्यों यार? अब वो कहाँ गई तुम्हारी वो बंदियाँ जो अगल बगल इधर उधर दाएं बाएं तुम्हारी घूम रही थी? कहाँ हो गया? धोखा दे दिया क्या सबने? कहा था ना सब पैसे और फेम के पीछे भागते हैं, मैं ऐसी लड़की थी नहीं। मैं थोड़ा सा थोड़ा ऐसे ही हो गया था, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि प्लीज़ अब तुम मेरे साथ हो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझे खोके, पता है तुम्हें? आई थिंक मैं सपोज करूंगा, प्यार है, प्यार करती हूं मैं तुमसे, हमेशा रहेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ना अब मैं जो जिंदगी में नहीं चाहती तुम्हें कभी भी नहीं चाहती। रात को 2:30 बजे छोड़ के गए थे ना एक लड़की को, बाहर निकाला था ना फ्लैट से धक्के देके, और क्या करके गए थे? बाय बाय यू करके गए थे ना, सॉरी बोलने से क्या होगा? आज तो तुम सॉरी, अबे आज तो तुम सॉरी बोलोगे, क्यों बोलोगे पता है ना तुम्हें? क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। आज तुम किसके पीछे हो? मैं तुम्हारी ना बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन ना मेरे अंदर इतनी चीज़ें दफन है ना जो मैं निकालना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो पोस्ट की, उसमें इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि प्लीज़ मैम आप रिवील करो वो बंदा था कौन जिसने आपकी ज़िंदगी झंड करके रख दी, बर्बाद कर दी। तो मन तो ऐसा करता है ना कि तुम्हारा ना फेस के साथ ना रिवील कर दूँ, सबको बता दूँ कि ये वो ऐसा घटिया इंसान है जिससे हर लड़की को दूर रहना चाहिए। तुम्हारे कुछ चंद लड़कों की वजह से ना सभी बदनाम होते हैं, और तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मेरे को आज किसी पे भरोसा नहीं हो पाता है कभी। मैं बोलता रहा हूं, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो एक बार। ट्रस्ट? और तुम ट्रस्ट की बातें कर रहे हो? एक बार लास्ट चांस हो तो। लास्ट चांस तुम्हें कितने चांस दिए? 5 साल तुम्हारे साथ रही मैं, अपने घर वालों को चीट किया, तुम्हारे साथ 1 महीना लिव इन किया, मतलब कहाँ गलती थी मेरी? क्या मांगा था मैंने तुमसे? कभी पैसा कभी डिमांड नहीं किया, सिर्फ एक इज्जत ही तो मांगी थी, वो ही नहीं कर पाए तुम। फिर भी यार एक छत के नीचे रहने के बाद भी सारा दिन मैं रोती रहती थी यार, बात कर लो बात कर लो। एक छत के नीचे रहने के बाद तुम सारा दिन कभी इस चूतिया लड़की के साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी, तुम सिर्फ 2 दिन अच्छे रहोगे अभी भी मेरे साथ, लेकिन फिर तुम वैसे। और एक बार फिर से तुम्हारे साथ रहना है? तुम तो हर बार कितनी बार बोलते हो मुझे तुम्हारे साथ रहना था था था, क्या हुआ फिर? इस टाइम मैं सीरियसली बोल रहा हूं, एक बात बताऊं तुम्हें क्या लगा मैंने यार तुमसे पैचअप कराने के लिए तुम्हें बुलाया? पैचअप करूँगी मैं तुमसे? नहीं बेटा नहीं, यू लॉस्ट, खो दिया तुमने मुझे उसी दिन, खो दिया था 5 अगस्त को ही खो दिया था, जिस दिन छोड़ के गए थे ना फ्लैट पे अकेले, मरता हुआ रो रही थी मैं, मर जाती अगर उस दिन मेरे माँ बाप नाते रात को 2:30 बजे। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैंने कितनी चीज़ें फेस किया ना अपने पे। एक होती है गलती जिसकी माफ़ी हो सकती है, तुमने ना गलतियों पे गलतियाँ की है, और मैंने तुम्हारे साथ रह के ना कितनी अपनी बेइज्जती कराई है ना, कोई हद नहीं है। चलो तुमने तो मुझे प्यार किया है ना? हाँ प्यार किया, बहुत किया। तुम्हारी गलती नहीं थी ना, तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, और मुझे कभी तुम चाहिए नहीं अब जिंदगी में, कभी नहीं चाहिए। और सुनो, कैमरा लगा हुआ है सामने, वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। मन तो ऐसा करता है कि बता दूँ सबको कि यही वो बंदा है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, नरक कर दी थी ज़िंदगी, पेरेंट्स का ट्रस्ट खो दिया, हर चीज़ यार कितनी चीज़ें, कितना मतलब तुम्हें बदलने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, छोड़ दिया अकेला मरता तो हुआ रोते हुए। कि आज वो लड़का फिर से आ रहा है तो अब तुम उसको दोबारा
अगर ये लोग सब देख रहे हैं ना तो कमेंट्स में वो यही बोलेंगे कि मेरा डिसीजन बहुत सही था और तुम्हारे छोड़ने के बाद ही मैं आज जो अच्छे लेवल पे हूँ ना, सिर्फ सही किया तुमने मुझे छोड़ दिया, पता तो चला मुझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, जो तुमने हमेशा मेरे को बताया तेरी औकात क्या है, तो कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, तो कभी कुछ नहीं बन पाएगी, तुमने अपने बाप का पैसा बर्बाद किया, तो आज मेरा लेवल है ना तो तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी वीडियो से ज़्यादा तो तुम मेरी वीडियोज़ ही देखते हो। आई नो दैट वेरी वेल यार, लेट इट बी, छोड़ दो सब चीज़ें, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए छोड़ के गए थे ना उसी के साथ रहो, या तो तुम्हें कोई कैचअप करने को नहीं बुलाया था बेटा, सिर्फ इसलिए बुलाया था कि देखना चाहती थी और कितने गिरे हुए हो तुम, एक ही दिन अच्छे रहोगे तुम, वो तो ना गिरगिट अपना रंग बदल लेती है हर दूसरे दिन, फिर तुम वही नहीं, अब पैचअप नहीं हो सकता, अपने चैनल पे ध्यान दो और मुझे भी देने दो, क्योंकि मेरी लाइफ हो रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ठीक है, और अब मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती इसमें। मैं मानता हूँ यार, उस रात जो हुआ उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे छोड़ के जाना पड़ा, सिचुएशन ऐसी थी छोड़ के जाना पड़ा, रात को लड़की को 2:30 बजे फ्लैट में छोड़ के चले जाओगे, ये सिचुएशन होती है यार, मैं बोलता रहा हूँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी मुझे जाना पड़ा आपको छोड़ के, सिचुएशन पता कैसी थी, मैं बोलता हूँ कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अभी तुम चाहिए ही नहीं मुझे, अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम चाहिए ना, मुझे अब तुम नहीं चाहिए ना, बात यही है ना, वक्त बदल जाता है और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, तुम्हें अच्छे से पता है, समझे, बहुत घमंड था ना तुम्हें 1.5 लाख सब्सक्राइबर का, मैं हूँ मैं, यूँ होते थे तुम मिरर में देखते, मैं हूँ मैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, कहाँ गया वो पैसा, लेकिन आज मुझे तुम चाहिए ना, अब वो पैसा फेम नहीं चाहिए, पैसा फेम चाहिए, गया कहाँ, वो कहाँ चला गया, तेल में गया, भूल जाओ यार, जो 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे तुम्हारी औकात ही बदल गई थी, और तुम हमेशा, तुम्हें जहाँ पे मेरा साथ देना चाहिए था ना, तुमने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, पराई लड़कियों को जाके सपोर्ट कर रहे हो, उनका चैनल बनवा रहे हो यार, जा रहे हो मजे से शूट करा रहे हो, एक वीडियो अपने कैमरे से शूट नहीं कराई, गलती हुई लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करता हूं, गलतियां तुम्हारी नहीं है, तुमने बहुत बेवकूफियां कर दी, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना अब डिस्टर्ब नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, वीडियोज़ हो नहीं पा रही है, आती हूँ यहाँ पे दिमाग में तुम भी घूम रहे होते हो, तुम इतना डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे खुश रहने दो, मैं खुश हूँ अकेले, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी, मुझे प्यार करने वाले बहुत लड़के मिल जाएंगे बहुत, लेकिन मुझे कोई चाहिए ही, मेरे मन में किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं आती वो वाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से ना पूरी दुनिया से भरोसा उठ गया मेरा, लेकिन एक बार फिर से भरोसा करके देखो ना, खुश रहो, कहाँ गए तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, कहाँ गए 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, कहाँ गए वो लड़कियाँ जो तुम्हें बोल रही थी तुम्हारे साथ रहेगी जिंदगी भर, कहाँ गए हम सब, आज तुम्हारे पास कोई नहीं है ना, इसलिए तुम्हें मेरी याद आ रही है, वरना कभी तुमने आज तक याद ही नहीं किया मुझे, बात ये नहीं है, अब नहीं हो पाएगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, अब नहीं हो पाएगा, गुड बाय, ध्यान रखो अपना, और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे को डिस्टर्ब करने मत आओ, और निकलो मेरी ज़िंदगी से, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत, आई हेट यू फ्रॉम माई हार्ट, आई हेट यू पसंद आएगी, तो यार मेरी एक रियल स्टोरी है ये, और अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यार ये मेरी एक रियल स्टोरी मैसेज होने वाला है बाकी सबके लिए जो बहुत यार बुरे रिलेशनशिप में फंसे हैं, यार रिलेशनशिप का मतलब है खुशियाँ देना यार, ना कि किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल करना, तो यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यार मैं रिवेल नहीं कर रही उस बंदे को, या मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको दिखाना चाहती थी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम किसी और पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, लव यू। Binani makes your all dreams come true. The biggest winnings. Binani. Do you dream about rich car? About luxury traveling? Binani makes your all dreams come true.